दोस्तों हम कर रहे थे एमपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर मेनली, ठीक है। और एक वीडियो, दो वीडियो एक्चुअली डाल चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले आ चुके हैं तो अब भी आ सकते हैं। देखिए पहला सवाल आज की वीडियो का क्या है। द कमिटी विच रिकमेंडेड दैट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो देखिए इसमें तो ये चारों ऑप्शन आंसर हो सकता है, ध्यान से आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला जो है अशोक मेहता कमिटी, ये अशोक मेहता कमेटी जो है ये किस लिए था, तो जब आप देखेंगे तो अशोक मेहता कमेटी भी पंचायती राज सिस्टम के लिए ही था, लेकिन ये था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू टायर ऑफ अ टू टीयर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। ये टू टीयर पंचायती राज सिस्टम के लिए था। सनातनाम कमेटी जो है ये किस लिए था, ये अपॉइंट किया गया था टू स्टडी द फाइनेंशियल मैटर ऑफ पंचायती पीआर सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। इसके बाद तीसरा, ये लास्ट जो है वीके राव कमेटी, ये भी था एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। यानी कि ये जो चौथा वाला जो है वीके राव कमेटी, ये मेनली ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। और जो बच गया जीएम सिंघवी कमेटी, ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, पीआर इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। यानी कि जो एमएल सिंघवी कमेटी थी, ये कमेटी मेनली इट वॉज अपॉइंटेड और ये किसने अपॉइंट किया था, 1986 में राजीव गांधी जी ने अपॉइंट किया था। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे एम सिंघवी, उनका नाम था एल एन सिंघवी और इन्हीं के नाम पे ये कमेटी अपॉइंट किया गया, ठीक है। और इसी का मेन जो मोटो था वो था कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा एल एन सिंघवी कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। पहले जो है ये हॉकी का स्टेडियम था, लेकिन बाद में इसको क्रिकेट का स्टेडियम बना दिया गया। तो ये है कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में, और पहला इंटरनेशनल मैच इसमें जो खेला गया वो इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज खेला गया, और ये मैच कब हुआ था, 1988, यानी 10 साल बाद खेला गया था। और ये स्टेडियम कौन ओन करता है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है व्हेन द मध्य प्रदेश स्टेट इक्वेस्ट्रियन एकेडमी वाज एस्टेब्लिश्ड। देखिए इक्वेस्ट्रियन मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेस्ट्रियन मतलब होता है घोड़ों से संबंधित, यानी घुड़सवारी से संबंधित, ठीक है। हॉर्स राइडिंग को बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। तो ये हॉर्स राइडिंग क्लब है, कहाँ पे है, एमपी में, ये भोपाल में है, एकेडमी जो है ये भोपाल में है, और ये 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था, 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप में बाहर हो गया था पहले ही राउंड से, तो उसी साल इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2007, ठीक है। और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ के एक प्लेयर है जिनका नाम है प्रणय खरे नाम है इनका, और ये जो है ये फर्स्ट प्लेस पाए थे FEI वर्ल्ड चैलेंज जंपिंग 2018, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को गोल्ड मेडल मिला हो एमपी से इक्वेस्ट्रियन में, ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है किसी को गोल्ड मेडल मिला हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे छुपा हुआ है इसको बाहर लाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड रिलेटेड टू मध्य प्रदेश स्टेट, देखिए ध्यान से देखना है, स्पोर्ट्स अवार्ड पूछ रहा है आपसे, और स्पोर्ट्स अवार्ड भी हो और मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड हो, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एकलव्य अवार्ड। देखिए पहला जो अवार्ड है लक्ष्मण अवार्ड, अगर मैं लक्ष्मण अवार्ड की बात करूं तो ये भी एक स्पोर्ट अवार्ड है, लेकिन ये एमपी में नहीं, ये यूपी में दिया जाता है, तो यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो अवार्ड है वो है गंधर्व अवार्ड, अब ये अवार्ड एमपी में तो दिया जाता है, अच्छा इस अवार्ड को कहते हैं कुमार गंधर्व अवार्ड, लेकिन ये स्पोर्ट्स में नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है म्यूजिक में, ठीक है। इसके बाद जो ये अर्जुन अवार्ड है, ये तो एक स्पोर्ट्स अवार्ड है,
ये अच्छा सवाल सेट किया है जिसने भी सेट किया है। ये स्पोर्ट अवार्ड तो है लेकिन ये दिया जाता है इंडिया लेवल पे, ये एमपी में नहीं दिया जाता। तो बचा क्या, एकलव्य अवार्ड, और यही हमारा आंसर है। और ये दिया जाता है स्पोर्ट्स में, ठीक है, ये दिया जाता है स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2019 की, 2019 में टोटल 14 एकलव्य अवार्ड दिए गए हैं, 14 एकलव्य अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 में 11 खिलाड़ी को एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, टोटल 11 खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से आगे बढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विक्रम अवार्डी 2018 प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश इज फ्रॉम डिसेबल्ड कैटेगरी। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसमें बहुत लोग फंसेंगे, इसको चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसका आंसर होगा सोनू गोलकर। इसके पापा ने कहा सोनू तू गोल कर, लेकिन इसने गोल नहीं किया, इसने क्या किया, इसने छक्का मारा। जी हाँ दोस्तों, छक्का क्यों मारा, क्योंकि ये एक क्रिकेटर है और ये कैप्टन है ब्लाइंड क्रिकेट टीम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ब्लाइंड क्रिकेट टीम का ये कैप्टन है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो आदमी है इस, ये B1 कैटेगरी का प्लेयर है और इसको विक्रम अवार्ड मिला 2018 में, विक्रम अवार्ड 2018 में मिला है, 2018 में मिला है, ठीक। और भीम सोनकर जो है ये एक पॉलिटिशियन है और ये है यूपी का। पूजा वस्त्राकर ये एक इंडियन फीमेल क्रिकेटर है, इंडियन फीमेल क्रिकेटर जो कि एमपी से बिलोंग करती हैं। और हर्षिता तोमर जो है, हर्षिता तोमर ये एक इंडियन सेलर है और ये एमपी से बिलोंग करती हैं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सोनू गोलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है मुस्कान किरार बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो मुस्कान किरार जी जो है ये आर्चरी से है, आर्चर, ठीक है, और ये इंडिया के प्लेयर है भैया, ध्यान रखना है ये इंडियन आर्चर है, इंडियन आर्चर। कहाँ से है, एमपी में जबलपुर से है। देखिए एमपी के जो भी फेमस प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पर खेले हैं उनको आपको पता होना चाहिए, मेनली जो मेडल वगैरह जीतते हैं उनका तो पता होना चाहिए। और इनको क्यों इतना ये दिया जा रहा है, क्योंकि ये गोल्ड मेडल जीती है, ये करंट का न्यूज है, जिस साल का ये पेपर है उस साल यानी कि 2018 में इन्होंने आर्चरी एशिया कप में, आर्चरी एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसलिए इनका नाम पूछा गया है एग्जाम में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने रिसेंट जिस एग्जाम का, जिस साल का ये पेपर रहेगा उसमें जो रिसेंट में जो काम किया है, अच्छा काम अगर किया है तो उसका नाम आपको याद रहना पड़ेगा, ठीक है। क्या नाम बताया आपने, मुस्कान किरार, क्लियर है, मुस्कान किरार। अगर मैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम बताऊं आपको, तो जो आर्चरी में अच्छा खेलती हैं, तो ये दीपिका कुमारी एक हो जाएंगी, दीपिका कुमारी, तरुणदीप राय, ठीक है, अतानु दास, इसका नाम सबने सुना होगा, अतानु दास, ये भी आर्चरी के अच्छे प्लेयर है। इसके बाद प्रवीण जाधव, प्रवीण जाधव, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें, हम एक क्वेश्चन पे अटक के नहीं रह सकते। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ रेंजेस इन सतपुरा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए ये जस्ट इससे पहले का वीडियो जो है जिसमें मैंने आपको बताया है फिजियोग्राफिक डिवीजन, आप नहीं देखे हैं तो जाके चेक करिएगा, फिजियोग्राफिक डिवीजन, उसमें मैंने बताया था ये चीज कि फिजियोग्राफिक डिवीजन में आपको ऐसे पूछ सकता है कि बताइए क्रोनोलॉजी, ये अरेंज करिए ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो इसमें पूछा है वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले देखिए बारवानी हिल, महादेव और मैकाल। अब मैकाल देख के एक चीज तो क्लियर हो गया कि सबसे लास्ट में क्या है, मैकाल है, एकदम एमपी का मैप अब जब देखेंगे, एक रफ मैप बनाता हूं मैं, तो ये इस तरफ ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मैकाल है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पे मैप दिख रहा होगा और इस मैप को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सामने देखिए ऊपर यहाँ पे क्या है, मैकाल है, और जस्ट उसके नीचे वेस्ट में आप जाएंगे तो आपको महादेव दिख रहा होगा। और अगर मैं बात करूँ बारवानी हिल्स का, तो एकदम एक्सट्रीम वेस्ट में आप देखिए ध्यान से, बारवानी हिल्स आपको दिख रहा होगा नर्मदा वैली के नीचे। तो अगर सीक्वेंस में मैं लगाऊंगा वेस्ट से ईस्ट लगाऊंगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा बारवानी हिल्स, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा महादेव, और फिर लास्ट में क्या आएगा, मैकाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन फॉर डीप रिवाइंस। तो डीप रिवाइंस का जैसे ही आप नाम सुनिए आंसर सीधा लगाइए चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी ही है जो फेमस है डीप रिवाइंस बनाने के लिए, ठीक। अगर मैं बात करूं चंबल नदी की, तो चंबल नदी यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और ये मेनली तीन स्टेट एमपी, राजस्थान और यूपी में बहती है। अगर मैं इसके उद्गम स्रोत की बात करूं तो ये जो है जाना पाव हिल से निकलती है, ठीक, क्लियर है, और ये अपने रिवाइंस के लिए जानी जाती है। अच्छा मेनली अगर मैं बात करूं तो ये चंबल नदी की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है तो ये कौन कौन सी है, देखिए ये बनास नदी जो है ये इसकी मेन एक ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा बात करूं तो पार्वती, पार्वती नदी भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, फिर एक शिप्रा नदी है,
शिप्रा नदी भी इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ये सब नदी कहाँ एमपी में बहती है तो ये इंपॉर्टेंट है। और काली सिंध भी आप कह सकते हैं, काली सिंध भी एक इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है। तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आ सकता है एग्जाम में, एमपी का पेपर है तो आ ही सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द रिवाइज नंबर ऑफ नेशनल हाईवे कनेक्टिंग इंदौर टू जयपुर। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए नेशनल हाईवे का नाम पूछा है आपसे, तो नेशनल हाईवे पहले क्या था, रिवाइज मतलब पहले कोई और था अभी कोई और है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि अभी कौन सा है, तो अभी जो है वो है नेशनल हाईवे 52। ठीक है, नेशनल हाईवे 52 और ये इंदौर को जयपुर से जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे 52 जो है ये इसकी लेंथ है 2317 किलोमीटर टोटल, और ये एक्चुअल में नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है इंडिया में। ठीक है, इंडिया नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ता है। और अगर मैं स्टेट्स की बात करूं मेनली, तो ये कौन कौन सा स्टेट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये मेनली इतने स्टेट्स से इसके इतने स्टेट्स के थ्रू जाता है। ठीक है, और ये सब नेशनल हाईवेज किसके अंतर्गत आते हैं, NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके चेयरमैन कौन है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग सोर्सेस थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ पारामारा डायनेस्टी। तो पारामारा डायनेस्टी देखिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, नव शासक चरित ऑफ पद्मगुप्ता, प्रबंध चिंतामणि ऑफ मेरठुंगा और उदयपुर प्रशस्ति, ये तीनों जो है इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं पारामारा डायनेस्टी के बारे में। तो ये एक इंडियन डायनेस्टी थी और ये कब रूल किया था, 9th से लेकर 14th सेंचुरी तक किया था। ठीक है, और ये मेनली मालवा रीजन में ही रूल किया था, मालवा रीजन में। ठीक है, इसका कैपिटल जो है वो था धार, धार एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, नीचे आप देखेंगे मालवा रीजन में ही सिचुएटेड है। और पारामारा कोर्ट के पोएट थे पद्मगुप्ता, ये कोर्ट पोएट थे, यहाँ जो नाम आपको दिख रहा है। और इन्होंने एक पोयम लिखी थी नव सशंक चरित, ये जो आपको दिख रहा है ये इन्होंने ये पोयम लिखी थी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है कि प्रबंध चिंतामणि ऑफ मेरठुंगा, तो ये क्या है, देखिए ये जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो पारामार किंग भोज थे, भोज ये 14th सेंचुरी के एक ऑथर थे, मेरुटुंगा, और इन्हीं के बुक थी प्रबंध चिंतामणि नाम की किताब थी जिसमें इनका नाम मेंशन था। ठीक है, इनका नाम जिसमें मेंशन था। और ये उदयपुर प्रशस्ति क्या है, ये उदयपुर प्रशस्ति ये है जो भी इनके राजा थे अर्ली किंग्स ऑफ पारामारा डायनेस्टी, इनके बारे में मेंशन था उदयपुर प्रशस्ति में। क्लियर है, तो ये सब चीज जो है ये रिलेटेड है पारामारा डायनेस्टी से। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा आपने, पद्मावत मूवी भी देखी होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब लड़ाई किया तो इसने इस डायनेस्टी को खत्म कर दिया। यहाँ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महालाक देवा, प्रोनंसिएशन को माफ करिएगा, नाम ही ऐसा है, महालाक देवा को हराया था और इस डायनेस्टी को खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अच्छा सवाल था ये, हिस्ट्री जो पढ़ा होगा डायनेस्टी वही कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई आ जाओ। Who among the following built त्रिभुवन नारायण टेम्पल ऑफ चित्तौर, तो ये आंसर हो जाएगा पारमार राजा भोज, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, त्रिभुवन नारायण टेम्पल जो है चित्तौर का कौन बनाया है, राजा भोज के बारे में। देखिए भोज जो है ये पारामार डायनेस्टी के एक बहुत ही फेमस राजा थे, और इन्होंने जो रूलिंग किया है ये 1010 CE से लेकर कब तक किया है, 1055 CE या AD भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे और इनको मेंशन किया गया है। देखिए पारामारा के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस आप जानते हैं इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, जो पत्थरों पे या फिर कहीं पे भी जो रिटन स्क्रिप्ट मिलता है उसको आप कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस पे इनका नाम बहुत जगह मिला है और इसलिए भी राजा भोज जो है बहुत फेमस है। और इन्होंने त्रिभुवन नारायण टेम्पल जो है ये चित्तौर में बनाया था, कब बनाया था, 11th सेंचुरी में बनाया था। ठीक है, और ये जो टेम्पल है त्रिभुवन नारायण टेम्पल ये एक हिंदू टेम्पल है, ऑब्वियस सी बात है राजा हिंदू है तो हिंदू ही बनाएगा। और किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है मंदिर। और ये कहां पर है, राजस्थान चित्तौर, आप नाम सुने होंगे, राजस्थान में चित्तौर एक जगह है वहां पे ये टेम्पल है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है विच एयरपोर्ट इज नॉन ऑपरेशनल इन मध्य प्रदेश। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, जो एक बार मध्य प्रदेश गया होगा वो टिक कर देगा इसको। पन्ना एयरपोर्ट जो है अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, खजुराहो ऑपरेशनल है, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल, ये सारे क्या है ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है। ठीक है, पन्ना आंसर हो जाएगा और ये अभी नॉन ऑपरेशनल है, लेकिन कुछ दिनों में ये ऑपरेशनल हो सकता है कि हो जाए।
ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं तो आप बता सकते हैं। देखिए एक तो भोपाल मैंने बता दिया आपको, भोपाल, उसके बाद एक खजुराहो जो कि आपको दिख भी रहा है, इसके बाद एक है देवी अहिल्या बाई होलकर, देवी अहिल्या बाई होलकर, एक है उज्जैन, लेकिन ये उज्जैन वाला एयरपोर्ट ये मिलिट्री एयरपोर्ट है तो यहाँ पे कुछ फ्लाइट्स लैंड करती हैं लेकिन सारी नहीं। एक सतना एयरपोर्ट है, ठीक है, इसके बाद एक खांडवा एयरपोर्ट है, खांडवा एयरपोर्ट है, ठीक, इसके बाद एक राजा भोज एयरपोर्ट है, राजा भोज एयरपोर्ट है। तो ये सारे एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में इस समय प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा और कुछ चीजें बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो ग्वालियर एयरपोर्ट है, ग्वालियर एयरपोर्ट ये एमपी का फोर्थ लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द स्पीकर ऑफ प्रीवियस मध्य प्रदेश असेंबली 2014 से 18 में, कौन था स्पीकर? तो आंसर क्या हो जाएगा? सीतासरण शर्मा, सीतासरण शर्मा जी थे 2014 से लेके 2018 तक के स्पीकर, और ये एमएलए थे कहाँ के? होशंगाबाद विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, होशंगाबाद। अब इसका नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम। और इस ये डिवीजन में मात्र 3 जिले हैं, ठीक है, आप नाम बताइएगा कौन कौन से जिले हैं। अगर पहले स्पीकर की बात करूं तो कुंजीलाल दुबे थे, कुंजीलाल दुबे जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।